स्टडी लवर चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ। दिस इज जीतू नागर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट संबंध एवं फलन एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक समुच्चय दिया हुआ है। माना है समुच्चय क्या है, ए, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एक से 6 तक की प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और आर आपको एक संबंध दिया हुआ है ए कोमा बी, उन क्रमिक युग्मों का समुच्चय जहाँ पर द्वितीय क्रमिक युग्म क्या है प्रथम क्रमिक युग्म में एक जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं कि ए आर और ए में क्या संबंध होता है। यहाँ पर R क्या है, उपसमुच्चय है एक क्रॉस एक का, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब R के लिए आपको देखना है कि R जो संबंध आपको दिया हुआ है वो स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, ये आपको चेक करना है, सममित है या संक्रामक है, ठीक है। तो देखिए बात करेंगे सर्वप्रथम स्वतुल्य की। स्वतुल्य के लिए आप जानते हैं, स्वतुल्य की बात कर लेते हैं। स्वतुल्य में आप फोरी ओर का निशान लगाते हो। फोरी ओर का मतलब होता है कि एक के जितने भी अवयव है वो सब आपने ले लिए। तो ए अवयव है किसका, ए का, जो आपको समुच्चय दिया हुआ है। अर्थात फोरी ओर का निशान लगाने का मतलब है यहाँ ए की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारी वैल्यू अपन ले रहे हैं, प्रत्येक अवयव ले रहे हैं ए का, ठीक है। के लिए आप देखोगे हमेशा इसका स्वयं के साथ संबंध कर दो स्वतुल्य में। तो a कोमा a अवयव होगा r का, क्या ये संभव है क्या, देखो आप जो आपको द्वितीय क्रमिक युग्म दिया हुआ है वो प्रथम क्रमिक युग्म में एक जोड़ने पर प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ तो प्रथम और द्वितीय क्रमिक युग्म दोनों बराबर है, जबकि एक जोड़ने पर प्राप्त होना चाहिए, तो बराबर है। तो ये क्या होगा, इसका अवयव नहीं होगा, नहीं है, क्योंकि a नॉट इक्वल टू a प्लस 1, जो a है द्वितीय क्रमिक युग्म में प्रथम में आप एक जोड़ोगे तो द्वितीय क्रमिक युग्म a होगा, a प्लस 1 संबंध के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए R स्वतुल्य नहीं। तो ये स्वतुल्य की बात हुई। क्या एग्जाम्पल की आवश्यकता है यहाँ पर, नहीं है। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लो वास्तविक संख्या में। यहाँ पर A आपको समुच्चय दे रहा है, आप एक लो, ठीक है। तो एक का एक, एक को मैं एक, इसका भी वो है क्या, नहीं होगा, क्योंकि आप एक में एक जोड़ोगे तो दो आएगा, जबकि यहाँ पर क्या है, एक कोमा दो जोड़ी है, एक कोमा एक है, एक कोमा एक, तो इसका वेग हो ही नहीं सकता। तो एग्जांपल की मेरे ख्याल से हो सकता नहीं है, क्योंकि इसमें एक जोड़ने पर ये कभी आ ही नहीं सकता, ये तो बराबर है, ठीक है, आर सो तुल्य नहीं है। बात कर लेते हैं सममित की। सममित में हमेशा आप दिमाग में सेट कर लो, इसका एक क्रमिक युग्म उठा हुआ, जैसे एक कोमा भी आपने उठाया, यदि एक कोमा भी, यदि एक कोमा भी अवयव किसका, आर का, अवयव आर का, के लिए आप क्या देखोगे, सममित में हमेशा इसको घुमा दो, जो द्वितीय उसको प्रथम बना दो, प्रथम को द्वितीय बना दो, तो बी कोमा ए भी क्या होगा, अवयव होगा किसका, आर का, क्या हो सकता है क्या, देखो हो सकता है क्या, देखो कि जो बी है वो क्या रहा है, ये इसका अवयव, इसका मतलब क्या है, द्वितीय क्रमिक युग्म प्रथम क्रमिक युग्म में एक जोड़ने पर आ रहा है, ठीक है। अब यहां भी ये होगा जो द्वितीय क्रमिक युग्म में ए,
वो प्रथम क्रमिक युग्म में एक जोड़ने पर आएगा। तो ए किसके बराबर आ रहा है, बी प्लस वन के बराबर आ रहा है। ये अवयव है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, यहाँ से ए की वैल्यू निकालोगे तो ए की वैल्यू आएगी बी माइनस वन। ठीक है, बी माइनस वन है ए की वैल्यू, लेकिन ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बी प्लस वन होनी चाहिए। ये अवयव है तो ये अवयव है तो बी ए की वैल्यू ये आ रही है बी माइनस वन। ठीक है, लेकिन ये बता रहा है कि ए की वैल्यू, ये अवयव होगा तो ए की वैल्यू क्या आएगी, बी प्लस वन आनी चाहिए, लेकिन बी की ए की वैल्यू तो बी माइनस वन आ रही है, ये इसका अवयव है तो ये तो इसका अवयव हो ही नहीं सकता। देख रहे हो ना आप, ये अवयव हो गया तो ए की वैल्यू बी माइनस वन आएगी। ठीक है, ए किधर चल जाएगा, ए की वैल्यू बी प्लस वन तो हो ही नहीं सकती, माइनस वन आ रही है, बी में से ए घटने पर आ रही है। ठीक है ना, तो ये तो इसका अवयव हो ही नहीं सकता, नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन देखो, रीजन क्या है, रीजन लिखना पड़ेगा। ठीक है, रीजन लिखते हैं क्यों नहीं है। रीजन देखो, क्योंकि यहाँ देखो B क्या होगा आपका, वो A में एक जोड़ने पर है, A प्लस वन है, तो जो A होगा वो B में B प्लस एक है। इसलिए क्या है, अवयव नहीं है। इसलिए क्या है, बी को माइनस का अवयव नहीं है, इसलिए ये क्या है आपका, सममित नहीं है, इसलिए सममित, इसलिए आर सममित नहीं है। आर आपका क्या है, सममित नहीं है, ये सममित की बात भी होगी। अब बात कर लेते हैं किसकी, संक्रामक की, संक्रामक, संक्रामक की बात कर लेते हैं। संक्रामक में आपको क्या लेना है, यदि आपने एक कर्मी युग्म ले लिया इसके अंदर से ए कुमा बी, अब ये आपका किसका, आर का। ठीक है, अब आपको देखना है बी का किसी और के साथ रिलेशन, देखो तो बी कुमा सी, बी अब ये किसका, आर का। ठीक है, तो एक कोमा सी भी आपका क्या होना चाहिए, अवयव होना चाहिए, के लिए आप क्या देखोगे, के लिए आप देखोगे कि एक कोमा सी भी अवयव होगा किसका, आर का। एक कोमा सी भी अवयव होगा आर का, क्या हो सकता है क्या, देखो अगर इसका अवयव है तो क्या होगा, द्वितीय क्रमिक युग्म क्या आएगा, प्रथम में एक जोड़ने पर आएगा तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस वन हो जाएगा। द्वितीय क्रमिक युग्म प्रथम क्रमिक युग्म में एक जोड़ने पर आएगा। ठीक है, संबंध में अपन को दिया हुआ है तो C कितना हो जाएगा, B प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका C क्या होगा, C होगा वो A प्लस वन होगा, A प्लस वन होगा। अगर ये दोनों चीज़ें सत्य है तो ये चीज़ क्या सत्य हो सकती है क्या, देखो चेक कर लेते हैं, B के वैल्यू में पुट करते हैं। अगर मैंने बी की वैल्यू यहाँ पुट करी तो देखो सी इक्वल टू कितना आएगा आपका, बी प्लस टू आ जाएगा। सी कितना हो जाएगा आपका, मैंने यहाँ रखा बी की जगह क्या रखा, ए प्लस वन रखा, ए प्लस वन, तो कितना आएगा आपका, सी इक्वल टू ए प्लस टू आएगा, क्योंकि सी इक्वल टू, अगर ये दोनों चीज़ें तो सी इक्वल टू ए प्लस टू आ रहा है, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ए कोमा सी अभी होगा तो सी इक्वल टू ए प्लस वन होना चाहिए, लेकिन वो ही नहीं सकता, सी इक्वल टू ए प्लस टू है, तो ये क्या आपका अवयव नहीं है, नहीं है। अब ये रीजन लिखो आप, क्यों नहीं है, रीजन देखो, क्योंकि क्योंकि यदि बी इक्वल टू ए प्लस वन है और सी इक्वल टू बी प्लस वन है, तो सी इक्वल टू
नॉट इक्वल टू ए प्लस वन होगा। देखा ना आपने यहाँ रीजन, क्योंकि सी क्या आएगा आपका, ए प्लस टू आएगा अगर ये दोनों चीज़ लागू रही है। तो वैल्यू रख लो यहाँ पर, बी की वैल्यू यहाँ पर रखोगे आप तो ए प्लस टू हो जाएगा सी इक्वल टू, देख रहे हो, तो सी नॉट इक्वल टू ए प्लस वन होगा। अतः आर संक्रामक नहीं। तो ये तीनों केस आपके प्रूफ हो चुके हैं कि जो संबंध आपको यहाँ दिया हुआ है वो न तो स्वतुल्य न सममित है न संक्रामक है, न स्वतुल्य न सममित है न संक्रामक है। तो गाइज एक्सरसाइज 1.1 के बाकी जितने भी क्वेश्चन है, सिंगल सिंगल क्वेश्चन की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, तो उन वीडियो को भी आप चेक कर सकते हैं और इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें आप एक्सरसाइज 1.1 की। और यहाँ पर आपको कोचिंग की तरह कोचिंग से भी बढ़िया तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आपके दिमाग में कुछ भी डाउट हो ना, छोटी से छोटी, सर ऐसे हो सकता है, सर ऐसे हो सकता है, सर ये तो ऐसे होगा, ये गलत है, ऐसे हो सकता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं उनको रिप्लाई कर सकूँ और आपके डाउट दूर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।